हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज़ वेलकम अगेन माय चैनल अखिल श्रीवास्तव एजुकेशन प्लानट। चैप्टर नंबर 8, एरे। प्रोग्राम नेम, सर्च ए एलिमेंट इन 25 एलिमेंट्स ऑफ एरे। स्टूडेंट्स, ये लेटर सी की बुक का चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन है। एरे का क्वेश्चन कह रहा है आपसे, 25 नंबर्स आर एंटर्ड फ्रॉम द कीबोर्ड इन टू एन एरे। हमें एक एरे में 25 नंबर स्कैन करवाने हैं, यानी कि डालने हैं कीबोर्ड से। द नंबर टू बी सर्च इज एंटर्ड थ्रू द कीबोर्ड बाई द यूजर। उसी एरे यानी 25 नंबर्स में से एक नंबर सर्च करना है, क्या वो उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये यूजर के द्वारा डाला जाएगा। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड इफ द नंबर इज टू सर्च इज प्रेजेंट इन द एरे एंड इफ इट इज प्रेजेंट डिस्प्ले द नंबर ऑफ आइटम्स टाइम्स इट अपियर्स इन द एरे। यानी कि फिर हमें ये बताना है प्रोग्राम में कि वो नंबर उसमें एग्जिस्ट करता है, अगर करता है तो कितनी बार करता है। यानी कि ये हमें बताना है कि वो उसमें एग्जिस्ट करता है तो वो उसे प्रिंट कर दे, और साथ साथ उसकी रिपीटेशन यानी कितने टाइम्स बार रिपीट किया उसने वो भी उसमें प्रिंट कर दे। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने दोनों हेडर फाइल ले ली, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h। हमें प्रिंट ऐप स्कैन ऐप की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल ले ली है। हमें आउटपुट विंडो पर रिजल्ट को होल्ड करवाना है, इसके लिए हमने conio.h ली है। इसके बिना भी काम हो सकता है, लेकिन इसे लेने से अच्छी प्रोग्रामिंग मानी जाती है। फिर हमने वर्ड मेन से क्वेश्चन स्टार्ट किया, हमेशा की तरह करली ब्रेसेस लगाया। अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। 25 साइज है एरे के एलिमेंट का, तो हमने एक नाम ले लिया arr एरे का, और इसकी सबस्क्रिप्ट में यानी इसके साइज में डाल दिया 25, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। फिर एक वेरिएबल ले लिया हमने आई, जिसके थ्रू हम फॉर लूप चलाएंगे, और फॉर लूप से स्कैन करवाएंगे तो काफ़ी आसानी होगी, वरना हमें बहुत बार लिखना पड़ेगा इसे। फिर हमें क्योंकि काउंट करना है कि वो रिपीटेशन कितनी बार हुई है जो यूजर ने सर्च करने के लिए नंबर दिया है, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट, और इसके अंदर हमने जीरो असाइन कर दिया ताकि गार्बेज वैल्यू अगर आई हो तो वो रिप्लेस हो जाए जीरो से, यानी कि हमें सही रिजल्ट मिले। और यूजर जो नंबर एंटर करना चाहता है सर्च करने के लिए, वो नंबर हमने n वेरिएबल के अंदर स्कैन करवा लिया, इसके लिए हमने n डिक्लेयर किया। फिर क्लियर स्क्रीन दे दी ताकि आउटपुट विंडो आपकी ब्लैंक आ जाए, आपको आपका आउटपुट ब्लैंक विंडो पर नज़र आए। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आगे हमने फॉर लूप से प्रोग्रामिंग स्टार्ट की। फॉर लूप में वेरिएबल जो हमने i डिक्लेयर किया था वो डाल दिया, उसके अंदर जीरो डाल दिया, i इक्वल टू जीरो सेमी कॉलन, आई लेस देन 25, यानी लूप हमारा 25 टाइम्स चले, और सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, यानी कि हमने हर बार एक इंक्रीमेंट कर दिया आई में ताकि लूप आगे की ओर बढ़ता जाए। तो ये हमने इसलिए किया टू स्कैन 25 एलिमेंट्स ऑफ एरे। ये 25 एलिमेंट्स जो स्कैन करने के लिए बोल रहा है, इसी के लिए हमने फॉर लूप चलाया, और प्रिंटफ में एक मैसेज दे दिया स्लैश एन के साथ ताकि हर बार मैसेज नई लाइन में जाए। एंटर द परसेंट डी लगा दिया, इसकी वैल्यू आई से रिप्लेस हो जाएगी। एरे एलिमेंट्स यानी कि एंटर द जीरो एरे एलिमेंट, एंटर द 25 एरे एलिमेंट्स, यानी आई की वैल्यू जो होती रहेगी वो यहाँ पर प्रिंट होती रहेगी। और स्कैन करवा दिया परसेंट डी से एम परसेंट के साथ एरे arr आई, आई की वैल्यू जो होती रहेगी उसकी वैल्यू पर यानी उसी एड्रेस पर नया एलिमेंट जो हम एंटर करवाएंगे वो इसमें स्टोर होता रहेगा। अब यूजर कह रहा है कि एक वो नंबर बाहर से एंटर करेगा जो सर्च करना है, तो वो नंबर भी अब हम एंटर करवाने के लिए कोडिंग कर देते हैं। हमने मैसेज दे दिया प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट टू सर्च, यानी जो नंबर वो सर्च करना चाहता है वो नंबर यहाँ पर एंटर कर दे। स्कैन एफ में हमने वो नंबर डाल दिया एन, और वो हमारा डेटा इसके अंदर स्टोर हो गया। अब सर्च करने की कोडिंग कैसे होगी वो देखिए। देखिए उसके लिए आपको फिर से फॉर लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना पॉसिबल नहीं है कि हम उसे सर्च कर सकें। फॉर लूप चला दिया, कितनी बार चलाया था ऊपर 25 बार, तो 25 ही बार हम नीचे भी चलाएंगे। आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 25, आई प्लस प्लस टू सर्च एरे एलिमेंट। तो इसके अंदर हमने दे दिया इफ़ एरे आई इक्वल है एन के, क्योंकि हमें एन से ही कंपेयर करना है क्या वो उसके इक्वल है। तो हर बार फॉर लूप चलेगा यानी 25 बार चलेगा, हर 25 एलिमेंट को यानी जीरो से लेकर 24 एलिमेंट्स को सर्च किया जाएगा क्या वो एन के इक्वल है। अगर है तो काउंट के अंदर प्लस प्लस हो जाए, यानी अभी जीरो था फिर वन हो जाए, तो ये काउंटिंग बताता रहेगा कि कितने एलिमेंट हो गए हैं इसके अंदर। तो ये आपके पास उसे
उसकी एग्जैक्ट काउंटिंग आपको बता देगा। तो एक छोटी सी कोडिंग है, इफ एरे आई इक्वल टू इक्वल इक्वल एन और काउंट प्लस प्लस, और इसके बाद प्रिंट एफ मैसेज देना स्लैश एन से, द नंबर हमने परसेंट डी दे दिया बीच में, इसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी पहले वाले वेरिएबल से जो कॉमे के बाद है एन से, यानी कि ये नंबर जो हमने बाहर से एंटर करवाया था सर्च करने के लिए। फाउंड फिर परसेंट डी, इस बार काउंट से रिप्लेस हो जाएगी। टाइम्स इन एरे, यानी ये बता देगा द नंबर जो वो एंटर करवाया था, मान लीजिए दो करवाया, फाउंड कितनी बार वो रिपीट हुआ है, इतने टाइम्स इन एरे, यानी ये नंबर इतनी बार रिपीट हुआ इस एरे में। ये करने के बाद आप मैसेज दे देंगे प्रिंट एफ में, ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन देने से प्रोग्रामिंग अच्छी मानी जाती है। प्रेस एनी की टू एग्जिट, यानी कि आप कोई नंबर दबाएंगे या कोई भी की दबाएंगे तो प्रोग्राम आपका एग्जिट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम हमने बनाया जिसमें 25 एलिमेंट्स हमने सर्च करवाए हैं बाहर से, और उसके उसमें से यूजर से पूछा कि वो क्या सर्च करना चाहता है, उस नंबर को भी स्कैन करवा लिया और फिर कोडिंग लगा दी जिसमें हमने उस प्रोग्राम को सर्च करके बता दिया कि ये नंबर कितनी बार रिपीट हुआ है, अगर हुआ है तो बता देगा। तो ये सिंपल प्रोग्राम है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। रन करने के लिए आप रन में जाएं या कंट्रोल प्लस F9 की प्रेस कर दें, शॉर्टकट है, कंपाइल हो रहा है। अब आ गया एंटर द जीरो एरे एलिमेंट, आप इसमें डाल दें 1, फिर 2, 3। मैं इसी नंबर को रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखिए 11, 12, 13, 14। अब ये आपसे पूछ रहा है कि क्या एंटर एन एलिमेंट टू सर्च, क्या सर्च करना चाहते हैं। मैंने दो नंबर डाल दिया सर्च करने के लिए, अभी आपको बता रहा है ये द नंबर टू फाउंड 6 टाइम्स इन एरे, ये जो दो नंबर है वो 6 बार आया हुआ है इस एरे में। देखिए दोबारा से देखते हैं, प्रोग्राम ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर 25 एलिमेंट की जगह सिर्फ 15 एलिमेंट ले लिए हैं। आपको सिर्फ इसकी जगह पर चेंज करना होगा, आप चाहे 100 एलिमेंट ले लें, 200 ले लें, क्योंकि आउटपुट में प्रोग्रामिंग में समय ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने एलिमेंट कम ले लिए हैं। मैं एक बार दोबारा आपको स्कैन करवा के दिखा देता हूँ। इस बार मैं वो नंबर डालूंगा जो हमने इस लिस्ट में नहीं डाला है। अब देखिए मैंने हर बार इसमें 2 एलिमेंट डाल दिया है, यानी दो नंबर डाल दिया है। ये सिर्फ 15 प्रोग्राम नंबर के लिए, तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हर नंबर में, हर एलिमेंट में 2 पड़ा हुआ है, मैंने कुछ और नंबर ले लिए, मैंने ले लिया 5। अब देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। ये देगा द नंबर 5 फाउंड 0 टाइम्स इन एरे, यानी कि 0 बार रिपीट हुआ है, यानी कि 5 एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यानी आपका प्रोग्राम सही है। तो स्टूडेंट्स ये आपका सिंपल प्रोग्राम है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू। प्रोग्राम को बंद करने के लिए फाइल मेनू में जाएं और क्विट पे क्लिक कर दें।